शुभ प्रभात बच्चों। अपने लास्ट क्लास में हम सभी गटरुगधा पाठ के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि लेसन 5। मैंने आप सभी को पेज नंबर 34 यहाँ तक पढ़ाया था। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना पेज नंबर 35 निकालें और मेरे साथ पढ़ें। कुछ पहले की लाइन दोहरा लेते हैं एक बार। लास्ट में क्या हुआ था? व्यापारी गधा की चालाकी को समझ गया था और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। ठीक है, फिर क्या होता है जब अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। ठीक है, व्यापारी ने फिर दोबारा क्या हुआ, रुई खरीदा और उसके पीठ पर लाद दी। गट्टू ने सोचा, इस बार बाहर बहुत कम है, पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। गट्टू क्या कहता है कि अभी तो भार बहुत कम है और अगर मैं पानी में गिर जाऊंगा तो इसका भार तो बहुत कम हो जाएगा। गट्टू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी होती गई। अब गट्टू ने सोचा, ओहो, यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब उसने अपने पीठ पर रुई, उसके व्यापारी ने जब अपने गधे के ऊपर रुई का लाद दिया, सामान खरीदा हुआ, तब वह ये सोचता है कि यह तो कितना हल्का है और शायद पानी में गिर जाऊंगा यानी नदी में गिर जाऊंगा तो यह और हल्का हो जाएगा। तो वह जानबूझकर पानी में गिर गया और जब वह पानी में गिरा तो रुई में पानी भर गया और उसी कारण क्या हुआ, वह बहुत ही भारी हो गया। तब गट्टू ने सोचा कि यह क्या हुआ, मैं तो भूत से झुका जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वो भूत तले कैसे झुका पड़ा है, उसे ठीक तरह से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। गट्टू रास्ते में ही बहुत थक गया और किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। तो बच्चों, इस तरह हमारा यह पाठ खत्म हुआ और आप सभी से कहूंगी कि आप अपने घर पे इस चीज़ का पता लगाइए कि थोड़ी सी रुई और एक चम्मच नमक को अलग अलग पानी से भरी कटोरी में डालो और देखो क्या होता है। आप सभी घर पे यह ट्राई करें। दो कटोरी लीजिए और एक कटोरी में आप नमक डालिए और एक कटोरी में आप रुई डालिए और फिर उसको उन दोनों में पानी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। ठीक है बच्चों, आज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस पाठ का शब्दार्थ को और अच्छी तरीके से लिख लें और लर्न कर लें। अपने नेक्स्ट क्लास में हम सभी इसके प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।